बड़ी खबर, श्रीनगर के खायनार इलाके में मुठभेड़ लगातार जारी है और सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ देखने को मिल रही है और खानयार में घेराबंदी और तलाशी लगातार सेना की तरफ से की जा रही है। खुफिया जानकारी के अनुसार अगर बात कर ली जाए तो सुरक्षा बलों ने यहां पर ऑपरेशन चलाया, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, तो सूत्रों के हवाले से जानकारी आपको दे रहे हैं। तो खुफिया जानकारी पर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया है और साथ ही साथ अब यहां पर कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका लगातार बनी हुई है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। श्रीनगर के खानयार इलाके में मुठभेड़ लगातार जारी है और साथ ही बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी इस इलाके में छिपे हो सकते हैं जिनकी तलाश लगातार जारी। सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार चलाया जा रहा है और खानयार इलाके में ये तस्वीरें आप देखिए, सुरक्षा बलों की तरफ से अब आतंकियों से जब मुठभेड़, उसके बाद से जब आतंकी वहां से भाग निकले उसके बाद से अब सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और आपको बता दें कि श्रीनगर के खानयार इलाके में मुठभेड़ अभी भी लगातार जारी है। 2 से 3 आतंकी बताया जा रहा है कि इस इलाके में छिपे हो सकते हैं। निसार अहमद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका फिलहाल बताई जा रही है। निसार, अगर बात कर ली जाए, क्या कुछ ताजा अपडेट है, क्या इलाके में अभी भी तनाव है, सेना की तरफ से सुरक्षा बलों की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? निसार जी देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरह से आज तकरीबन 9 बजे सुबह एक सिक्योरिटी फोर्स को एक खुफिया इतला मिलती है कि खानयार सेंट्रल कश्मीर के खानयार इलाके में वहां पे कुछ मिलिटेंट्स की मौजूदगी है जी हुई। उस जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची जहां पे उनको शक था कि वहां पे कुछ मिलिटेंट्स मौजूद है, तो जब उसको एरिया को पूरी तरह से कॉर्डन किया गया है, वहां पे जिस मकान में खदशा था तो उस मकान से जो मिलिटेंट्स ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस दौरान ये एक मुठभेड़ की शक्ल इख्तियार कर गई। हालांकि ये भी खदशा किया जाता है कि वहां पे जो मिलिटेंट्स है उनकी तादाद 2 से लेकर 3 हो सकती है। एक मसरूफ बाजार है, एक पुराना और कदीम बाजार माना जाता है, वहां पे गन्ने मकानात है जिसकी वजह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले इनिशियल उसमें यहाँ ये बात तय करना बड़ा मुश्किल हो गया था कि किस मकान में मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, लेकिन जो ही ये एनकाउंटर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा है तो उसके बाद एक मकान में वहां पे एक मकान से जिस मकान से गोले चलनी शुरू हो गई है तो उसको पूरी तरह से वहां पे सील ऑफ कर दिया गया है। वहां पे जो ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है, वहां पे लगातार पिछले कुछ समय से अगर बात करें तो लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हैं, आतंकी घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं और साथ ही कई आतंकी संगठन हैं जो जिम्मेदारी भी समय समय पर लेते रहते हैं इस तरीके की आतंकी वारदातों की। अभी फिलहाल इस मुठभेड़ में जो आतंकी बताए जा रहे हैं कि अभी फिलहाल उनकी तलाश जारी है, किसी आतंकी संगठन से जुड़े होने की आशंका? जी देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर अभी जो नवंबर का महीना चल रहा है जैसे आगाज हो गया है तो वहां पे सर्दियां जिस तरह से आगाज हो गए, सर्दियों का बाजार तौर पर आगाज हो गया है, तो उसी चीज को देखते हुए जो मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अब यहाँ के मैदानी इलाकों का रुख किया है, खासकर श्रीनगर, सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर। अगर बात की जाए तो श्रीनगर में सबसे ज्यादा जो पिछले कई सालों से एक्टिव था वो जैश मोहम्मद था, और साउथ कश्मीर की बात की जाए तो साउथ कश्मीर में ज्यादातर हिजबुल मुजाहिदीन का दबदबा है। तो तवक्का ये भी की जाती है कि पुलिस की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि ये किस संगठन से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जिस तरह से जो श्रीनगर का जो मेन एरिया है लाल चौक, खानयार और डाउनटाउन, वहां पे ज्यादातर जैश मोहम्मद या लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखने वाले संगठनों का ज्यादा असर रसूख रहता है। तो जिस तरह से देखा जाए तो पुलिस ने अभी तक कोई हालिया कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन जिस तरह से वहां पे जिस तरह से जो पिछले कई महीनों से वहां पे जिस तरह से जो अटैक्स हुए हैं उनमें जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा का ज्यादा हाथ रहा है, तो उसी की मुनासिबत से ये भी ख्याल किया जाता है कि या तो फिर मोहम्मद के हो सकते हैं या फिर लश्कर तैयबा के जो आतंकी संगठन है उनसे इनका ताल्लुक होगा। लेकिन जिस तरह से इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है वहां पे पूरी तरह से जो मार्केट है वो भी बंद है अभी, और मार्केट में भी कोई मार्केट भी अभी बंद है और सिक्योरिटी फोर्स ने पूरी ठीक है। निसार बने रहिए हमारे साथ।